अच्छे से चपेड़ मारी है सुधीर चौधरी जी के गाल के ऊपर, अच्छे से तमाचा मारा है। उन्होंने दिखाया कि हम फ्री की बातें नहीं कर रहे हैं, फ्री के ऊपर वोट नहीं डाल रहे हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए जो जनता की भावनाओं से खेलते हैं। पर आप जैसे घटिया किस्म के अगर पत्रकार हैं ना, तभी लोगों का विश्वास भी उठने लगा है पत्रकारी से, इसलिए लोगों ने, बहुत लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया है। निर्भया के दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी जा रही? अगर ये समय रहते इनको फांसी दी जाती और ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को खत्म किया जाता, शेख गार्गी कॉलेज के ऊपर हमला करने वाले भी 100 बार सोचते। जिस मामले में मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के मिनिस्टर से गोली मारो गदारों को आगे से और मुहावरे बोले गए थे, उनकी सोच पे आकर कुछ नौजवानों ने आकर गोली भी चला दी, जामिया में चलाई गई, यहाँ शाहीन बाग में चलाई गई, लेकिन यहाँ के लोग शांतिपूर्वक थे, उन्होंने शांति से उसका जवाब दे दिया। उसी मुकाबले में एक प्रवेश वर्मा जी संसद भी हैं बीजेपी के, जिन्होंने के एक ऐसा ओछा एक अपना इल्जाम शाहीन बाग के लोगों पर लगा दिया बलात्कार होने का, उन्होंने घटिया मानसिकता अपनी जाहिर की। अब उनके जो भगत थे उनके दिमाग में जो घुस गया कि जो भी दोष आएगा वो तो किसी और पे लग जाएगा, सरकार तो हमारी है, लेकिन उनको मालूम नहीं जो घटिया किस्म के लोग होते हैं उनकी पहचान हो जाती है, वो चाहे चिन्मयानंद साहब हो, चाहे सेंगर साहब हो, चाहे और भी बहुत लोग हैं, आशाराम बापू जैसे, राम रहीम जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ये घटिया मानसिकता दिखाई है। उस मामले में ये सरकार क्या किया है सब जानते हैं। आज निर्भया के लिए भी कुछ नहीं किया गया। उसी तरह हमारी बहनें हैं जो गार्गी कॉलेज वाली हैं, गार्गी कॉलेज की बहनों के ऊपर भी उसी तरह से अटैक किया गया, जैसा कि बोला है कि शाहीन बाग की बहनों के बारे में ऐसा ही इनकी मानसिकता है। और मानसिकता इनकी दर्शाती है कि जो हमारी बहनें हैं ये आने वाली सदी की भारत की बनी मतलब सबसे आगे होंगी, 21वीं सदी में बहनों का ही सदी होगी, और ये लोग चाहते हैं बहनों की सदी ना बन जाए, इसलिए ये महिलाओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी तरह इनकी मानसिकता बन गई है कि अगर हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी वो आगे बढ़ेंगी, जब महिलाएं अपने हक हकूक और देश की राजनीति में भाग लेने लगेंगी तो ये हमारे लोगों को दबा देंगी, वो मानसिकता एक काम कर रही है। पर नहीं, हम जहां पर भी खड़े हैं, जहां पर भी रहते हिंदुस्तान वासी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, हम ऐसे घटिया दर्जे के लोगों को अपनी बहनों, अगर बहनों के ऊपर कोई अटैक करता है या गलत ढंग से पेश आता है, उसके लिए हम सभी मिलकर ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता को हम खत्म कर देंगे, कुचल देंगे। और ये हमारे भाईचारे के सबूत हैं, यहाँ पर भी शाहीन बाग में भी हमारी बहनें और माएँ बैठी हुई हैं, उनकी सपोर्ट में यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसी तरह मेरी बहनें जो अब प्रदर्शन कर रही हैं गार्गी कॉलेज में, मैं उनकी सपोर्ट के उनके साथ खड़ा हूँ। अपनी बहनों के लिए अगर वक्त पड़ा, जरूरत पड़ी, हम वहाँ भी पहुँचेंगे, पर जब हमारी बहनें को अगर कोई असहाय समझेगा, हम उसको बता देना चाहते हैं कि आपके ये मंसूबों का हम कामयाब नहीं होने देंगे। एक निर्भया के साथ हो गया, एक चिन्मयानंद जी ने कर दिया, एक सेंगर साहब ने एक बच्ची के साथ कर दिया, हम सभी के खिलाफ हैं। निर्भया के दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी जा रही? अगर ये समय रहते इनको फांसी दी जाती और ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को खत्म किया जाता, शेख गार्गी कॉलेज के ऊपर हमला करने वाले भी 100 बार सोचते। पर नहीं, हमारी सरकार को खाली सियासत करनी है, हिंदू मुस्लिम सियासत करनी है, हमारी सरकार को इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, वो तो खाली लोगों को बांट कर राज करना चाहती है। पर नहीं, हम ऐसा दिल्ली के लोगों ने दिखाया भी है कि हम बटे हुए लोग नहीं है, हम सभी भाईचारे एक हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि हम सब एक हैं और ऐसी मानसिकता को हम पनपने नहीं देंगे, और हम सभी गार्गी कॉलेज की जो बहनें हैं उनके साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि कोर्ट जल्दी, जैसे कोर्ट में अब आ गया है ये मामला, कोर्ट जल्दी इसका संज्ञान लेगी और ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा देगी। वेरी गुड। एक और सवाल है साहब, जो लोग शाहीन बाग में बैठे हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कहा जा रहा है कि विदेशों से करोड़ों का फंडिंग हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है, इसलिए यहाँ से इनको हटाना चाहिए, वो भी जब बिना NRC से रिजेक्ट हुए, इस पर क्या कहेंगे? जी, ये ना गवर्नमेंट एक ना अपना दिमाग चलाती है कि शायद लोग बेवकूफ हैं भारत के, इनको नहीं मालूम भारत के लोग बहुत समझदार हैं। इन्होंने इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में भी यही काम करने की कोशिश किया, लोगों को शाहीन बाग के नाम के ऊपर वोट मांगे,
ऐसे ही घटिया किस्म के बयान अभी ये देने हट नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इनका अहंकार है। ये अहंकार क्या है कि हम बहुमत में हैं। इनको ये मालूम नहीं बहुमत से कभी कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बहुमत देती है जनता सेवा करने के लिए। पर ये जो बोलते हैं ना कि जो हमको वोट नहीं देगा पाकिस्तान प्रस्त है, ये है वो है, अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से। अब लोग इनको सबक सिखाने लग गए हैं। और दिल्ली के चुनाव में इन्होंने जैसे सभी वाक्य बोले थे, और दिल्ली की जनता मेरे ख्याल में सिर्फ 12% मुस्लिम लोग हैं, बाकी तो सभी हिंदू सिख थे और भी क्रिश्चियन थे, सभी जात और धर्म ओबीसी एसटी वगैरह थे। तो उन्होंने इनको विरोध क्यों वोट दे दिया? ये समझने की चीज़ है कि भाईचारे इनके अच्छे बयानों को अब नहीं ले रहे हैं और समझ रहे हैं फंडिंग कहाँ से क्या होती है। लोग हम गुरु को लंगरों का यहाँ लंगर चल रहे हैं, लंगर से भोजन छका जा रहा है, बहनें अपने घर से रोटी बनाकर लेकर आ रही हैं, एक दूसरे के साथ बांट के खा रही हैं। इनको शर्म आती है जहाँ आते हुए, एक बार आके तो देख लें। ऐसा तो बहन और माँ का बहुत सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन 2 महीने हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के एक बार भी मन में नहीं आया कि अपनी बहन और माँ को एक बार उनका हाल चाल तो पूछूँ। शर्म आ रही है ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमको भी, कि कम से कम उनको बिल्कुल ही ख्याल नहीं है माँ और बहनों का। एक बार आके पूछो भाई साहब रोटी कैसे आती है, रोटी कैसे चलती है, एक आपको समझाएगा। मगर आप डायलॉग करना नहीं चाहते, आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते, आप खाली झूठ और फरेब की राजनीति से ही आपको फुर्सत नहीं है। पर कोई बात नहीं, आप कितना भी झूठ बोलते रहो, आप कितना फरेब करते रहो, पर एक सच्चाई है ये जनता सब जान चुकी है। आपकी ये चिकनी चुकड़ी बातों में अब नहीं आएगी, आप चाहे कुछ भी कहते रहो। ये हमारी बहनें, हम इनको सलूट करते हैं जिन्होंने देश के संविधान के साथ, जो लोगों ने बहुमत के नाम पे गद्दारी करने की कोशिश किया ये संविधान बचाने के लिए, तब तक बैठी रहेंगी। ये बता रही हैं कि जब तक सीए काला कानून यहाँ से वापस नहीं होगा। बाहर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर घूमने के लिए, देश के हालात क्या है हम लोग सब जान ही रहे हैं जी, लेकिन जब बाहर जाते हैं कहते हैं सब चंगा सी और सी और कब सी और सब जनता जानती है। पर अब क्या है, अब कोई चंगा नहीं है। जब से ये बात जब गवर्नमेंट ने लोगों को बांटना शुरू कर दिया, ऊपर वाला भी इनसे खफा हो गया, इसलिए देश ऊपर से लेकर नीचे जाने लग गया। क्योंकि इनके जो दिमाग की सोच थी कि हम पता नहीं बहुमत में आ गए क्या से क्या हो जाएगा, नहीं, एक ऐसी शक्ति भी होती है जो बड़ों बड़ों को सबको सिखा देती है, जो घमंडियों का घमंड चकना चूर करके उनको जमीन पे ला देती है। शायद आप ये समझ रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं। मोदी साहब, अगर सब चंगा सी अब चंगा नहीं है, देश में लोगों को रोजगार छिन गए हैं, GDP गिर गई है, हर चीज सड़क पे आ गई है, कुछ तो आप समझो, भाईचारे को बनाकर चलो, भाईचारे को लेकर चलो, तभी देश में सब चंगा है रहेगा, नहीं तो चंगा सी तो सदियों पुरानी बात हो जाएगी। इसलिए आपको अभी भी अपने बहुमत का घमंड उतारो, अपना अहंकार को छोड़ो और माँ और बहनों से माफी मांगकर, जिनको के लिए आप बहुत बड़े बड़े शब्द कहते थे, एक बार भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला दुख भरा जो उनके दुख में शामिल हो जाए। मगर अभी आप अभी भी माफी मांगकर उनके पास आइए और सीए कानून को वापस लीजिए, और उन बहनों को जो घरों में छोटे छोटे बच्चे उनसे बेचारे कभी लिपटे रहते थे, अब वो घरों में माँ को तरस रहे हैं, और जब जहाँ लेकर आते सर्दी लग रही है। एक मेरी बहन का बच्चा चला गया, उस पर भी सियासत हुई। शर्म आ रही है ऐसे लोगों को, सियासत करने वालों को, जिनको के मालूम नहीं मोदी साहब कास्ट, चलो मानते हैं आपके तो कोई औलाद नहीं, पर जो औलाद वाले हैं उनको तो पता होता है कि बच्चे का दुख क्या होता है। कम से कम आपके संगी साथियों तो पूछ लो कि औलाद का दुख क्या होता है। कम और एक आपके मंत्री साहब हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते गदारों को गोली मारो सारों को, उनको बोलो ना एक बार अपने बच्चे को फौज में भर्ती करा दे, अगर गदार नजर आता है सरहद पे से भेज दे उसको। आप तो बड़ा राष्ट्रभक्त कहता है मंत्री अपने आप को, अपने बच्चे को फौज में भर्ती करे और गदारों से लड़ने के लिए सरहद पे भेज दे, तब तो मानेंगे। वरना किसी के बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। आप अपने बच्चों को एशिया में रखते हो, विदेशों में भेजते हो, और लोगों के बच्चों को सड़क के ऊपर गोली चलाने के लिए भेज देते हो। शर्म आ रही है आपके, ऐसा कानून नहीं था। हमारे संविधान ने आपको लोगों की सेवा करने के लिए बोला था, आपको ये लोगों के लिए ऊपर गोली चलवाने के लिए या भड़काने के लिए नहीं रखा था। ठीक है जी, न्यूज़ के सुधीर चौधरी कह रहे हैं दिल्ली चुनाव की बात, कि दिल्ली वालों को राष्ट्र की कोई बात अच्छी नहीं लगती, राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ फ्री में इनको चाहिए। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी कह रहे हैं। मैं इनके बारे में इतना ही कहूँगा
कि जब आंखों पे पर्दा पड़ जाता है ना तो उनको सब कुछ काला ही नजर आने लग जाता है। वो दिल्ली की जनता ने उनको दिखा दिया, उनका वो नकाब उतार दिया है, अच्छे से चपेट मारी है सुधीर चौधरी जी के गाल के ऊपर, अच्छे से तमाचा मारा है। उन्होंने दिखाया कि हम फ्री की बातें नहीं कर रहे हैं, फ्री के ऊपर वोट नहीं डाल रहे हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए जो जनता की भावनाओं से खेलते हैं। जनता ये दिल्ली की पढ़ी लिखी है, दिल्ली की जनता जानती है हम टैक्स देते हैं, कोई कोई हमारे पे एहसान नहीं करता है। अगर कुछ ले भी रहे हैं अपने टैक्स देते हैं, हम भरते हैं टैक्स भरते हैं, तो ही हमारे को कुछ सहूलत मिलती है। लेकिन आप जिसके चमचे हैं वो तो लोगों से छीन रही है। सुधीर चौधरी साहब शर्म किया करो थोड़ा सा, बोलते हुए लोग जनमानस की बात को समझा करो। जनमानस बहुमत देता है इसलिए नहीं देता है, पर आप जैसे घटिया किस्म के अगर पत्रकार हैं ना, तभी लोगों का विश्वास भी उठने लगा है पत्रकारी से, इसलिए लोगों ने, बहुत लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया है। वो कहते हैं हम कि सुनने को क्या मिलेगा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसलिए लोग आप जैसे लोगों को देखना नहीं चाहते। पर शर्म करो, सच्चाई का साथ देना शुरू करो और सच पे मार्ग पे चलना शुरू करो, ताकि भारत की पत्रकार फिर जो बची खुची आपने उतार खत्म कर दिया पत्रकारिता, उसको जिंदा किया जा सके।